जम्मू कश्मीर से आग का तांडव, बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। बागे मेहताब इलाके में ये भीषण आग लगी है, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। घर के लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। आग में बिल्डिंग के लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया। तो राहत की बात यहाँ पर ये है कि जो मौजूद यहाँ पर लोग थे उन्होंने जैसे तैसे भाग कर अपनी जान बचा ली। तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जो सामान घर पर रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया समय रहते, लेकिन कितनी भीषण आग लगी थी ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बागे मेहताब इलाके हैं जहाँ पर भीषण आग लगी है। इधर श्रीनगर में आतंकियों ने दो गैर कश्मीरियों पर फायरिंग कर दी है। आतंकियों की फायरिंग में एक की मौत हुई है, दूसरा घायल है, पंजाब का रहने वाला था मृतक। हमले के बाद सेना और पुलिस अलर्ट हो गई है और ये पता लगाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, सेना और पुलिस, कि ये हमलावर कौन था। हमने तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये कौन था जिसने गैर कश्मीरियों पर गोली चलाई है और उनकी जान चली गई है। जम्मू कश्मीर से खबर है, दो कश्मीरियों पर गोली चलाई गई, दोनों गैर कश्मीरी थे। कश्मीर में ये हुआ है, श्रीनगर के आतंकियों ने दो गैर कश्मीरियों पर फायरिंग की है। आतंकियों की इस फायरिंग में एक की मौत हुई है और दूसरा घायल हुआ है। पंजाब का रहने वाला था मृतक और दूसरा जख्मी है। हमले के बाद सेना यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना भी अलर्ट पर है।